रंग घुमा के देख ली, ओके कोई दिक्कत नहीं, अच्छी फ्री घूम रही है अच्छे से। देखिए होंडा एमएच का इंजन है, जो पार्ट टू की वीडियो है। अब पार्ट टू में बताएंगे आपको किस तरीके से फिट करी जाती है क्रैंक और इसकी टाइमिंग बताएंगे आपको ए टू जेड। तो आपको सबसे पहले इसकी क्रैंक लगाने जा रहे हैं। इसमें देखिए ये पीस ख़राब हो गए थे, इसकी क्रैंक जो सीज हो गई थी वो पीस हमने बदले हैं, क्रैंक टर्न करवाई है। ये पीस देख सकते हो आप, पीस ख़राब हो चुके हैं तो हमने इसके पीस बदल दिए हैं बिगन के। तब इसकी क्रैंक फिट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इस पर ऑयल, ऑयल लगा के क्रैंक इसमें लगा देंगे। और थर्ड वाला साला आपको देख सकते हो, ये जो कट हिस्सा होता है आपको दिखाएंगे, दिखा देंगे किस तरीके से कट वाला हिस्सा लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको लगा देंगे, फिर एक दो कैप इसके लगा देंगे, ये कैप लगा देंगे। इसमें भोगली होती है कैप में, इस तरीके की कैप लगा देंगे हम। कैप लगाने के बाद एक दो कैप लगा देंगे, थर्ड वार्सल दिखाएंगे आपको किस तरीके से, थर्ड वार्सल फिर दिखाएंगे आपको थर्ड वार्सल किस तरीके से पड़ती है इसमें। ठीक, मैं क्रैंक लगा दी आपको, थर्ड वार्सल दिखाएंगे किस तरीके से पड़ती है। जो कट वाला हिस्सा होता है वो इस साइड में रहेगा, और एक जो कट वाला हिस्सा होता है वो इस साइड में रहेगा, एक फ्लाईव्हील की साइड में, एक क्रैंक वो टाइमिंग की साइड में। तो आपको ये वाला हिस्सा है इस तरीके से लगाना है। ठीक, ये वाला जो प्लेन हिस्सा है वो इधर रहेगा और कट वाला हिस्सा इधर रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसकी दोनों थर्ड वार्सल डाल देंगे। और इसके कैप जो है, कैप पाँचों कैप लगा देंगे इसके, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, हमने क्रैंक टाइट कर दी, ओके कंप्लीट हो गई क्रैंक है। तो अब हमको क्या करना है, इसके बिगन लगाने हैं। ये देखिए बिगन ही इसके, आपको दिखा दें, ये जो एक नंबर हमने इसमें निशान लगा के रखा था, देखिए एक नंबर इसका निशान लगाया है, इधर है इधर है इधर है, एक दो तीन चार, इसी तरीके से हम इसमें ऑयल लगा के इसके बिगन हम चारों टाइट कर देंगे। जिस 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं, 12 पैल की गोटी लगती है इसमें, तो इसके हम चारों बिगन पिस्टन इसमें करेंगे में करके बिगन इसके चारों टाइट कर देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, इतने बिगन हम चारों टाइट करके फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। चारों बिगन टाइट कर देंगे, 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं इसमें, तो ऑयल लगा के इसमें ऑयल लगा के फिर आगे फिटिंग आपको कस देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, बिगन टाइट करने के बाद ये हमने टाइट कर दी थी, थर्ड वार्सल डाल दी थी, आपको दिखा दिया था थर्ड वार्सल किस तरीके से थर्ड वार्सल डालनी चाहिए, तो हमने वो लगा दिया। आपको इसको करके फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, बिगन हमने टाइट कर दिए हैं, बिगन और के बिगन और मैंने इसके हमने टाइट कर दिए हैं, क्रैंक घुमा के देख ली, ओके कोई दिक्कत नहीं, अच्छी फ्री घूम रही है अच्छे से। हमने बिल्कुल बोल्ट मिला मिला के टाइट करें। ठीक, एक बार में नहीं टाइट करें, काफ़ी बार में इसके बोल्ट टाइट करें, तो एक बार में आपको बोल्ट नहीं टाइट करने, काफ़ी बार में बोल्ट टाइट करने हैं, मिला मिला के हमने टाइट कर दें, मिला मिला के हमने बोल्ट टाइट कर दें इसके, क्रैंक ओके हो गई। अब इसकी जो पीछे की प्लेट होती है साइड प्लेट, वो लगाने जा रहे हैं। जो सील होती है मेन सील, ये इस तरीके की होती है, इसमें लगाएंगे हम बोंड। और ये जो हिस्सा होता है इतना, ये इसका बाल होता है यहाँ पर, ये ज़्यादातर लीक कर जाता है। जब आप देखना कभी भी सील लीक हो इसकी, ये तो आपको ये वाला ज़रूर चेक करना। ठीक, यहाँ पर चेक करना नहीं तो दिक्कत आ जाती है। सील नहीं लीक होती, ये लीक कर जाता है, तो आप सील डाल देते हो बाद में तब भी लीक करता है, ये आपको जब सील डालो तो इसको चेक करना है। ठीक, तब इसको हम बोंड लगा के इसको लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, हमने इसकी प्लेट लगा दी है बिल्कुल ओके से, अच्छे से टाइट कर दी है बोंड लगा के। तो अब इसका लगाने जा रहे हैं चैम्बर, एक चैम्बर है जो हमने धुल लिया है, यहाँ पर देखिए रबटिंग होती है, इसको यहाँ पर बोंड लगेगी, बोंड तो लगेगी, पूरी पैकिंग यहाँ पर पैकिंग नहीं लगती इसमें, तो इसमें बोंड ही लगेगी। ज़्यादातर अल्मोनियम में, अल्मोनियम का ब्लॉक होता है उसमें, ज़्यादातर पैकिंग नहीं लगती है, बोंड ही लगती है। तो आपको हम इसको बोंड लगा के इसमें 10 नंबर के 12 नंबर के बोंड लगते हैं वो हम लगा देंगे, यहाँ पर बोंड लगाएंगे, तो इसको हम लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, देख सकते हो आप, ये चैम्बर है, अभी लगा देंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, हमने इसका चैम्बर टाइट कर दिया है, आपको दिखा दें, 10 नंबर के 10 नंबर का बोल्ट है, 12 नंबर का होता है, यहाँ पर ऊपर होते हैं बोल्ट और कुछ नीचे बोल्ट होते हैं, 10 नंबर के 12 नंबर के नीचे होते हैं, और एक बोल्ट 10 नंबर का यहाँ पर लगता है, ध्यान देना आपको यहाँ पर लगता है, और दो बोल्ट यहाँ पर 10 नंबर के लगते हैं इस प्लेट यहाँ पर। तो इसका हमने चैम्बर टाइट कर दिया, अब इसका लगाने जा रहे हैं ऑयल पम्प। ये इसका ऑयल पम्प है, इसमें 12 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं, और यहाँ पर लगती है रबड़िंग जो यहाँ पर है, इसकी रबड़िंग यहाँ पर लगेगी, बोंड लगा के 12 नंबर के 4 बोल्ट टाइट कर देंगे। ये इसका ऑयल पंप है, तो इसको हम टाइट कर देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, ऑयल पंप ने टाइट कर दिया है, ओके अब इसके लगाने जा रहे हैं ऑयल पंप जाली। ये इसकी ऑयल पंप जाली है,
ये कुछ इस तरीके से लगती, बॉन्ड हमने लगा दी है इस तरीके से कुछ लगती है। यहाँ पर एक दस नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगता है, दस नंबर का बोल्ट एक यहाँ पर लगता है, ठीक। दो दस नंबर के बोल्ट लगते हैं, तो हम इसको दोनों दस नंबर के बोल्ट टाइट कर देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे और क्या होता है, ठीक। जगह लगा जाली लगा दी है ओलवम जाली, अब इसका मंगाने जा रहे हैं वो फिट करने जा रहे हैं। टाइमिंग को दिखा दें, टाइमिंग इसकी किस तरीके से फिट होती है, ए टू जेड फिटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कैम का पहले सेट कर लेना, एक जो बिंदक है डॉट, इस डॉट पे इस तरीके से रहेगा, दो डॉट और एक डॉट इसके बीच में रहेगा ये वाला डॉट। ये प्लेट लगाने से पहले आपको ये वाला डॉट देख लेना, ठीक। तो हमने डॉट सेट कर लिया है, एक कैम का हो गया है, दो कैम का, अब इसको हम प्लेट लगाने, तो वे वाली पुली हम लगाने जा रहे हैं, ये वाली तीन बोल्ट इसमें लगते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला निशान सेट कर लेना है, ठीक। ये दो तीन निशान आमने सामने होने चाहिए, ठीक। और इसमें लगती है वाली पुली, तो इसमें देखिए एक चेंद होता है और ये वाली पिन होती है, वो पिन इस चेंद में लग जाती है इस तरीके से, इस तरीके से वो पिन लग जाती है, देख सकते हो पिन उसमें फिट हो गई। और इसके 12 नंबर के तीन बोल्ट हम इसको लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। ये देखिए अब हमने लगा दिया इसको, और अब हम इसकी मार्क दिखा रहे हैं टाइमिंग के कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये देखिए ये मार्क होता है, ये दो मार्क होते हैं, एक ये होता मार्क होता है और एक ये मार्क होता है। ये मार्क हो गए आपको उस पर मार्क दिखाने, एक ये मार्क हो गया, एक ये मार्क हो गया, ये दो मार्क हो गए इस पर क्रिंक वाली पे, और ये पंप से जो होती है टर्निंग उसकी हो गई, एक ये मार्क हो गया, एक मार्क हो गया, ये मार्क हो गया। आपको इसके बारे में सारा समझा देंगे कौन सा मार्क कहाँ कहाँ पर रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग मिला देंगे, फिर चैन चढ़ा देंगे, चैन चढ़ा के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। ये वाली पुली लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। ये देखिए मैंने इसके पे चैन चढ़ा दी है, टाइमिंग बांध दी है, आपको निशान दिखाने किस तरीके से रहना चाहिए, ठीक। तो देख सकते हो आप ये वाला है, जो ये वाला देखिए आई का निशान बना है, इस पर दो कट बने हैं, तो इस पर ये कत्थे कलर का कट बना है, इस पर चैन पे दो डॉट हैं, तो इन दोनों जगह पर रहेगा ये वाला, ठीक। और ये वाला निशान इधर रहेगा, ठीक, देख लो। और इधर आ जाओ, इसका ये वाला जो निशान है, ये जो आई का निशान बना है यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट इस आई के निशान पे ये वाला रहेगा, ठीक। और ये वाला दिखा दूँ आपको, जो हाई प्रेशर पंप से कैम में गई है और इसकी हो गई, और हाई प्रेशर पंप से जो क्रैंक में गई है, आप हाई प्रेशर पंप की क्रैंक से दिखा दें, ये देख सकते हो, ये जो हाई प्रेशर पंप पे दो निशान होते हैं, बिंदी होती है, देख सकते हो डॉट होता है हल्का हल्का, वो दोनों डॉट इस जगह पर रहेंगे, ये दो निशान बने हैं, दोनों डॉट इस जगह पर रहेंगे, देख सकते हो आप इस तरीके से रहेगा ये वाला। ये हो गए, और देखिए ये वाला जो निशान है, जस्ट जिस पे क्रैंक पे जो निशान है वो ए वाले निशान पे रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से ए वाला जो निशान है, ए वाला जो निशान है वो जस्ट इसके सामने रहेगा, और ए वाला निशान इसके सामने रहेगा, ए वाला निशान जो हल्का सा डॉट है वो इस वाले निशान पे रहेगा, और ए वाला जो निशान है यहाँ पर, ए वाला जो निशान है जस्ट इस वाले डॉट के सामने रहेगा, यहाँ पर जस्ट इसके सामने रहेगा, ठीक, देख सकते हो ए वाला जो निशान है जस्ट इसके सामने रहेगा। और अभी हम एक बार आपको फिर से समझा देंगे किस तरीके से, ये पहले हम इसके चैन पर लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक, किस तरीके से ये टाइमिंग पूरी ए टू जेड फिटिंग बता देंगे, और जिस पहले चैन पर लगाएंगे फिर इसके आगे की फिटिंग आपको दिखा देंगे, ऑयल पंप की भी टाइमिंग दिखा देंगे, ठीक, किस तरीके से ऑयल पंप की टाइमिंग मिलाई जाती है इसकी, ठीक, फिर एक बार फिर से समझा देंगे एक बार, ठीक, आपको चैन पर लगा के। मैंने इसकी टाइमिंग मिला दी थी, मैंने आपको दिखा दिया था टाइमिंग मिला दी थी, और इसके हमने चैन पर बताया था चैन पर लगा देंगे, चैन पर हमने लगा दी है, देखिए चैन पर यहाँ पर होता है बड़ा चैन पर होता है, और यहाँ पर पाँच नंबर लंकी के बोल्ड लगते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा चैन पैड होता है, इसमें पाँच नंबर लंकी के दो बोल्ड लगते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा चैन पैड होता है, उसमें छः नंबर लंकी के बोल्ड लगते हैं दोनों, और यहाँ पर एक छोटा चैन पैड होता है, उसमें पाँच नंबर लंकी के बोल्ड लगते हैं। आपको टाइमिंग फिर से दिखा दें, यहाँ से शुरू करेंगे ऑयल पम्प से, इधर से शुरू करेंगे वहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए ऑयल पम्प पे दो निशान हैं, ऑयल पम्प गराजी के ऊपर एक दो, और इसमें दो बिंदक हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, तो देख सकते हो यहाँ पर एक निशान है, ये देख सकते हो एक निशान है, तो एक निशान यहाँ पर है, एक बिंदक, इसमें दो बिंदक हैं, तो इसमें दो हो गए, यहाँ पर एक बिंदक तो एक हो गया। और आपको दिखा दें
एक ये वाला जो कट है वो जस्ट ये वाले कट के सामने रहना चाहिए। और इसके इसका क्रैंक का दिखा दें आपको, पीछे का जो होता है क्रैंक से हाई प्रेशर पंप में जाती है जो टाइमिंग, उसका दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हो आप हल्का सा, ये देख सकते हो डॉट दिख रहा है आपको, इस तरीके का पीला निशान होगा, इस तरीके का निशान होगा यहाँ पर एक, ये देख सकते हो आप ये वाला निशान है वो जस्ट इस वाले निशान के सामने रहेगा, ये तीर बना निशान हल्का सा डॉट इस निशान के सामने रहेगा क्रैंक का और हाई प्रेशर पंप का। और आपको दिखाएं यहाँ से देख सकते हो ये जो दो हैं डॉट, और इसमें दो डॉट बने हैं देख सकते हो, एक दो दो डॉट इस डॉट पे रहेंगे इन दोनों निशान पे, ठीक दो बरा रहे। हाई प्रेशर पंप की ये टाइमिंग हो, क्रैंक से हाई प्रेशर के पंप की टाइमिंग हो गई। और आपको हाई प्रेशर पंप और कैम की टाइमिंग दिखा दें, और देख सकते हो ये जो डॉट है वो जस्ट जो आई का निशान है वहाँ पर उसके सामने रहेगा, जस्ट इसके सामने रहेगा, और ये वाला जो निशान है जस्ट इसके सामने रहेगा, ये वाला देख सकते हो आप, ये जो डॉट बना है इसके सामने रहेगा, ठीक ये दो निशान होगी। और आपको इधर दिखा दें, यहाँ पर आ जाओ, ये देखिए दो आई के निशान बने हैं, तो ये दो निशान इस डॉट पे रहेंगे, ये डॉट पे रहेंगे दोनों निशान, ठीक। और आपको दिखा दें, मैंने आपको दिखाया था पहले के अंदर इस पे देखो, मैंने इस पुली को लगाने से पहले आपको दिखाया था, चलो मैं अभी यहाँ पर दिखा देंगे फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट मार के वो निशान कहाँ पर रहना चाहिए, ठीक। और ये वाला आई का निशान इधर होना चाहिए, ये वाला आई का निशान इधर होना चाहिए, ठीक, और ये दो निशान ऊपर होने चाहिए। इसकी टाइमिंग हो गई होंडा एमएच इंजन टाइमिंग, ये हो गई, ठीक ओके। अब इसको हम टाइमिंग कवर इसका लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। और आपको बता दें जो रजिस्टर इसका है वो टाइमिंग कवर में रहता है, ठीक, तो इसको हम फिट करके फिर अभी आपको दिखाएंगे, ठीक। देखिए मैंने इसको कंप्लीट हो गया, ओके घुमा के देख लिया, इसका टाइमिंग कवर लगाने जा रहे हैं, इसका टाइमिंग कवर ये है, तो इसमें मैंने बोल्ट लगा ली है, तो अभी इसको फिट करने जा रहे हैं टाइमिंग कवर को, टाइमिंग कवर को फिट करेंगे, उसके नट बोल्ट दिखाएंगे, पहले लगा देंगे इसमें, फिर आपको नट बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये नट बोल्ट हैं सारे, इसमें 10 नंबर के 12 नंबर के भी बोल्ट 14 नंबर के भी बोल्ट हैं, तो हम सारे नट बोल्ट लगा के इसको टाइमिंग कवर को टाइट कर देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। इसका टाइमिंग कवर लगा दिया, टाइमिंग कवर फिट कर दिया, ओके कंप्लीट टाइमिंग कवर हो गया है, तब इसका लगाने जा रहे हैं अब हम चैम्बर, 10 नंबर के 14 नंबर के 12 नंबर के बोल्ट हैं, हमने सारे बोल्ट टाइट कर दिए, इसका लगाने जा रहे हैं चैम्बर, चैम्बर में बोल्ट हमने लगा लिए, ओके बोल्ट लगा के ओके। अब इसका हम चैम्बर लगाएंगे, यहाँ पर लगता है छोटा चैम्बर, बड़ा है छोटा, तो इसमें 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं, 10 नंबर के बोल्ट हम सारे लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। और इसको लास्ट में बताएंगे किस तरीके से इसकी क्रैंक चेंज हुई थी, ठीक, फिर बाद में बताएंगे आपको किस लापरवाही की वजह से क्रैंक सीज हो गई थी, फिर लास्ट में बताएंगे या शुरू में, लास्ट में बता देंगे, लास्ट में या शुरू में हम समझा देंगे ए टू जेड फिटिंग वो किस तरीके से क्या हुआ था, ठीक। तो चैम्बर लगा दें, 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं कुछ इस साइज़ के 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं, उनको साफ करके 10 नंबर के सारे बोल्ट लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। देखिए मैंने चैम्बर लगा दिया, अब इसके लिए लगाने जा रहे पुली, ये इसकी मेन पुली है, लगाएंगे इसमें, और इसका बोल्ट ये वाला मेन बोल्ट है 19 नंबर का, और ये भी लगा देंगे हम, ये सपोर्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगती है, यहाँ पर एक 12 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगता है इसकी कलवलेट में, और 10 नंबर के दो बोल्ट यहाँ पर लगते हैं, ठीक। इसको हम लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक, इतना करने के बाद। ये देखिए मैंने पुली लगा दी, इंजन सीधा कर दिया, अब इसका लगाने जा रहे हैं जो एल्बो, पानी की एल्बो होती है यहाँ से, ये वाली इस तरीके की एल्बो होती है जो यहाँ से इस वाले पाइप में हल्की सी लगती है, एक छोटा सा पाइप एक देख सकते हो यहाँ पर लगता है ये वाला पाइप, ये पाइप लगा देंगे, ये पूरी एल्बो लगा देंगे, और एक सपोर्ट होती है यहाँ पर, 10 नंबर के 3 बोल्ट इसमें लगते हैं, एक बोल्ट यहाँ पर लगता है, सपोर्ट यहाँ पर लगती है, ये लगा देंगे, और इस रजिस्टर है ये वाला, एक बोल्ट लंबा बोल्ट यहाँ पर लगता है, और 13 नंबर का बोल्ट 12 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगता है अरेस्टिंग में, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो पहले एल्बो लगेगी, फिर बाद में अरजेस्टर लगेगा, ठीक, पहले एल्बो लगा देंगे, फिर रजिस्टर लगा देंगे, ठीक। और इसमें बोल्ट हमने लगा लिए, इसको फिट कर देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैं इसकी वो एल्बो भी टाइट कर दी है, और रजिस्टर कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक, 14 नंबर का यहाँ पर, 12 नंबर का यहाँ पर, 10 नंबर बोल्ट 3 यहाँ पर, एक सपोर्ट यहाँ पर 10 नंबर की, और ये पाइप, ठीक, ये एल्बो इसकी हो गई, ठीक। अब हमने इधर का तो कंप्लीट कर दिया है, इसका बोल्ट हम लास्ट में टाइट कर लेंगे सब कुछ गिरक्सा लगा के, तो आपको हमने बता दें फ्राविल हमने लगा लिया था, फ्राविल क्यों लगा लिया था आपको बता दें, जो इसके जो
पंप का जो होता है, पंप का जो टाइमिंग का नट बोल्ट 17 नंबर का, उसके लिए हमको टाइट करना था, तभी हमने इसको लगा लिया था। अच्छे से टाइट हो जाता है, हिलता उलता बिल्कुल नहीं, अच्छे से टाइट हो जाता है। और उसमें अरे ऑयल पंप का एक भी बोल्ट होता है 14 नंबर का, उसको भी मैंने टाइट कर दिया था इसको लगाने के बाद। ठीक, इसको लगा लेते हैं तो पुलर होता है, पुलर से मस्त 1 नंबर का फंस जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको पुलर दिखा देंगे एक बार, फिर खराबी लॉक होता है पुलर। तो इस तरीके से किसी बोल्ट में यहाँ पर लगा लो और यहाँ पर फंस दो, इस तरीके से हमने लगा लिया बोल्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर फंस गया। ठीक, इस तरीके से फंस जाता है बोल्ट यहाँ पर, लग जाता है। आप यहाँ पर फंसना चाहो यहाँ पर फंस जाओ, यहाँ पर फंसना चाहो यहाँ पर फंस लो, फंस जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमको क्या करना है, इसको क्लच प्लेट लगानी है। देख सकते हो इसकी क्लच प्लेट है, तो 10 नंबर गोटी 12 पेल की इसमें लगती है। तो अब इसको हम लगाएंगे, इसके हमने फ्लाईवील के 17 नंबर के 12 पेल की गोटी लगती है, इसमें टाइट कर दी। अब इसको हम लगाने जा रहे हैं। ठीक, क्लच प्लेट लगा देंगे, गेरेक्सा रखा, गेरेक्सा साफ़ करके ये क्लच बेयरिंग को साफ उफ करके लगा देंगे। 17 नंबर के इसमें बोल्ट लगते हैं हाउसिंग के, वो हम सारे टाइट कर देंगे। और इसकी वीडियो देखनी क्लच प्लेट की, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में है लिंक, आप देख लेना वहाँ से। क्लच प्लेट हमने डाली इसकी, और इसका जो बाल होता है, वो बाल कैसे लीक कर जाता है उसकी मैंने बताई है फिटिंग पूरी ए टू जेड, उसमें देख लेना। ठीक, दोनों दे देंगे हम उसमें। तो अभी हम क्लच प्लेट लगा देंगे, सेंटर भी सब कुछ बता रखा है उसमें, क्लच प्लेट लगा देंगे गेरेक्सा फास्ट के, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं क्या क्या होता है। ठीक, देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है, गेयरबॉक्स फिट कर दिया है, ओके मस्त, सारी फिटिंग हो चुकी है। अब फिटिंग बची है ब्लॉक की, जो हम ब्लॉक को अरे सॉरी इंजन इसमें फिट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर माउंटिंग भी है, माउंटिंग वाउंटिंग सब लगा दें। सुनो, पहले तो हम इंजन चढ़ा देंगे। ठीक, इंजन चढ़ाने के बाद माउंटिंग वाउंटिंग टाइट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, इंजन बड़ा है, हैवी इंजन है, डीजल इंजन है, तो वीडियो चढ़ा देंगे फिर बनाएंगे, तो दिक्कत आ सकती है, हाथ में मोबाइल दिक्कत। तो फिर इसको इंजन को चढ़ा देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, यहाँ की सारी फिटिंग हो चुकी है, इसको फिट करेंगे इसमें, फिर आपको दिखाएंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। I feel I fixed it now, it's really okay. So I ain't gonna waste my chest and just my